92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है 50,000 की पॉलिसी और इसको लिखा है दुर्गेश सिंह ने। पुष्पा, जरा 2 ग्लास पानी लाना। घर का मेन गेट खोलते हुए जीवन बीमा एजेंट रामदीन सहाय बोले। पुष्पा को समझ में आ गया कि आज उनके पति परमेश्वर फिर किसी को लेके आए हैं। रामदीन इतने उदार किस्म के थे कि अक्सर किसी को लेके चले आते थे चाय नाश्ते के लिए। पुष्पा रामदीन सहाय की धर्मपत्नी थी और उनकी अच्छाइयों बुराइयों को एक साथ पिछले कई सालों से सहेजती चली आ रही थी। पुष्पा जैसे ही 2 ग्लास पानी लेके आईं तो देखा एक दीनहीन आदमी रामदीन सहाय के बगल वाली कुर्सी पर बैठा हांफ रहा है। पुष्पा ने गेट के पार देखा तो साइकिल का एक रिक्शा खड़ा था। उन्हें समझ में आ गया कि ये रिक्शे वाला है। रामदीन सहाय पुष्पा के चेहरे की संगीन नजाकत देखकर बोले, अरे बेचारा नया आया है यार शहर में, कौन जला है जी, मालकिन को बताओ। रामदीन उसकी तरफ देख के बोले, रिक्शे वाला कोई 19-20 साल का युवा रहा होगा। पानी गटकने के साथ ही उसने कहा, आरा जिला बिहार, नाम बटेसर कुमार। पुष्पा ने सुना तो लेकिन अनसुने अंदाज में दोनों के हाथों से ग्लास छीनते हुए अंदर चली गई। रामदीन ने पुष्पा के गर्म दिमाग को भांपते हुए रिक्शे वाले से कहा, रुको मैं आता हूं। रामदीन सहाय ने अपना थैला उठाया जिसमें बीमा के कागजात, डायरी, लिफाफे और एक कलम हमेशा रहते थे, उसको लेकर वो अंदर किचन में चले गए। पुष्पा रोज की तरह कुछ न कुछ कर रही थी किचन में। रामदीन सहाय ने पीछे से बिना किसी भनक के कहा, रोज काम पे छोड़ाया करेगा हमको और बेबी को स्कूल। पुष्पा अधकटे प्याज छोड़कर खाली पड़े डिब्बे में न जाने क्या खोजने लगी। मानो सोच रही हूं कि रामदीन थोड़ा और मान मनोवल कर लें तो अपने गुस्से को इस डिब्बे में भर के बंद कर देंगी। पुष्पा ने बिना उनकी तरफ देखे हुए पूछा, तो? रामदीन को लगा कि किचन में जाकर पुष्पा क्रांतिकारी हो जाती हैं। हर बात का जवाब एक शब्द में देती हैं, मसलन क्या, क्यों, कैसे, हाँ, तो, और न जाने क्या क्या। रामदीन बोले, अरे कोई नहीं इसका, यहाँ 2 जून का खाना खाएगा बस, हमारा पैसा भी तो बच रहा है ना। पुष्पा ने पलट के जवाब दिया, और खाना बनाएगा कौन? जैसा कि नाम से समझ में आता है रामदीन काफी उदार आदमी थे। उन्होंने कहा, अरे मेरे हिस्से का आधा दे दिया करना, उम्र भी तो हो रही है और डॉक्टर ने भी कम खाने को कहा है। जब पुष्पा से रामदीन नहीं जीत पाते थे तो बच्चों के अंदाज में बढ़ती उम्र का हवाला दे देते। कई सालों तक एक साथ रहने वालों पर न्यूटन का तीसरा नियम लागू नहीं होता क्योंकि उनके जीवन में प्रतिक्रिया एक क्रिया की ही तरह हो जाती है। पुष्पा और रामदीन का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। रिक्शा वाला अगले दिन से सुबह आने लगा। पहले रामदीन को, फिर उनकी 15 साल की बेटी बेबी को स्कूल छोड़ने के लिए। स्थानीय बीमा कंपनी के कुछ अनुभवी एजेंटों में से एक रामदीन सहाय के नाम 50,000 के रिकॉर्ड बीमा कराने का खिताब दर्ज था। जब उनके करियर का शुरुआती दौर था और बीमा के बारे में लोगों की जागरूकता भी कम थी तो रामदीन सहाय एक के बाद एक लोगों का बीमा करते जा रहे थे। मृदुभाषी होने के नाते सबको उन पर भरोसा था और याद शहर के अधिकतर मोहल्लों में रामदीन सहाय ने कम से कम एक सदस्य का तो 50,000 का बीमा करवा ही रखा था। लेकिन सुकून में चलने वाली रामदीन की जिंदगी अगले दिन ही एक छोटी सी घटना से बदलने वाली थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। रोज की तरह रामदीन तय समय पर दफ्तर पहुंचे तो देखा कैश काउंटर पे लंबी लाइन लगी थी। रामदीन को एक नए बीमा की पहली किस्त जमा करनी थी। लंबी कतार देखकर वो बड़े बाबू के केबिन में चले गए। रामदीन के अलावा कोई देखता तो उसको लगता कि बड़े बाबू फाइल के पन्नों में सर रख के सो गए हैं, लेकिन वो जागी अवस्था में फाइल की पड़ताल कर रहे थे। बड़े बाबू के सर के ऊपर एक लंबी रॉड वाला पंखा चल रहा था। या तो बिजली कम थी या पंखा थक गया था, उसकी चारों पत्तियां आसानी से गिनी जा सकती थी। बड़े बाबू के सामने बैठते हुए रामदीन ने कहा, क्या समस्या बड़े बाबू? बड़े बाबू ने सर उठा के देखा और राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे रामदीन अच्छा हो तुम आ गए यार, तुम्हारे क्लाइंट की अर्जी आई है आकस्मिक मृत्यु की, उसकी फाइल क्लियर करनी है पूरी जांच के बाद। नाम क्या है? रामदीन की उत्सुकता बढ़ी। बड़े बाबू बोले, मनोहर देशपांडे है कोई।
रामदीन ने बड़े बाबू के हाथों से अर्जी लगभग छीनते हुए पढ़नी शुरू कर दी। ऐसा लगा कि उनके किसी अपने की अर्जी है ये। बड़े बाबू भी रामदीन की इस फुर्ती को देख के थोड़ा अचंभे में आ गए। उन्होंने रामदीन से पूछा, कौन है भैया मनोहर देश पांडे? रामदीन पता नहीं कहां खो गए थे। उन्होंने बड़े बाबू के सवाल को या तो सुना नहीं या जवाब देना उचित नहीं समझा। पूरी अर्जी पढ़ने के बाद रामदीन बोले, हे भगवान, ये क्या हो गया? थोड़ी देर में अपने गमछे से चेहरे पर चुहचुहा आए पसीने को पोंछते हुए रामदीन ने कहा, 3 महीने पहले ही करे थे इसकी पॉलिसी बड़े बाबू। जल निगम में दिहाड़ी पे चपरासी था। अरे 35 भी कोई उम्र है हार्ट अटैक की। रामदीन को समझाते हुए बड़े बाबू ने कहा, जो नियति को मंजूर उसे कौन टाल सकता है। आप एक काम कीजिए, जांच समिति के साथ जल्दी जल्दी जाके इसके परिवार वालों से मिलाइए, जिससे हम जल्दी से जल्दी इसकी अर्जी पर कार्रवाई कर सकें। दफ्तर से निकलने के बाद रामदीन ने सोचा कि देशपांडे कितना खुश था। पॉलिसी लेके बोला था कि कुछ साल बाद मिलने वाले पैसों से बहन की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, उसकी नौकरी का कोई भरोसा जो नहीं है। कभी पैसे कमा लेता है और कभी कभी नहीं कमा पाता। उसके परिवार के लोग न जाने अब कैसे होंगे, बीवी कैसी होगी। ये सारी बातें सोचते हुए रामदीन सहाय अपने दफ्तर से बाहर निकल आए। उनका निजी रिक्शा तो आया नहीं था, सो उन्होंने दूसरा रिक्शा लेना ही ठीक समझा घर जाने के लिए। उनका अपना रिक्शा वाला थोड़ी देर बाद तय समय पर ही आता था। घर पहुंचे और पुष्पा ने उनसे पूछ लिया, क्या हुआ आज दफ्तर में? रामदीन की परेशानी आज उनके चेहरे से छिप नहीं रही थी। वो बोले, देशपांडे, वो जो जल निगम का चपरासी घर आया था ना, उसकी मौत हो गई। उसके घर जाना है जांच के लिए। चलो खाना निकाल दो, जल्दी सोऊंगा, कल सुबह जल्दी निकलना है। उसका घर यहां से दूर है काफी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। अगले दिन रामदीन जब जांच अधिकारियों के साथ मनोहर के घर पहुंचे तो एक साफ सुथरे परंपरागत परिवार को देख के उन्हें अच्छा लगा। लेकिन साफ सफाई के पर्दे से मन की गरीबी थोड़ी चली जाती है। यह गरीबी उनको मनोहर की पत्नी के चेहरे पर दिखी, जो अब 50,000 की पॉलिसी की वारिस थी। मनोहर शीशे के फ्रेम में टंगे मानो रामदीन से अनुरोध कर रहा हो, जरा देख लीजिएगा साहब। यही तो कहा था उसने जब वो पॉलिसी की पहली किस्त रामदीन को दे के गया था, बाकी का देख लीजिएगा साहब। जांच में मनोहर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं पाई गई तो कमेटी ने तुरंत फुरत बाकी के पैसों का भुगतान मनोहर के परिवार वालों को करने को कहा। अगले दिन रिक्शे वाले ने रामदीन से पूछा, साहब आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रामदीन ने जवाब दिया, नहीं रे, बस ऐसे थक गया हूं। रिक्शे वाले के कई सवालों का जवाब रामदीन अनमने तरीके से देते रहे। अंत में उन्होंने कहा, तो यही उतार दे, मैं थोड़ा पैदल घूमते हुए घर चला जाऊंगा। रामदीन पैदल होने की वजह से देरी से घर पहुंचे तो पुष्पा के गुस्से का शिकार बन गए। लेकिन आज उन्होंने पुष्पा की किसी बात का जवाब नहीं दिया। पुष्पा ने भी सोचा कि थोड़ा थक गए होंगे। अगले दिन से रामदीन उसी जोश खरोश के साथ 50,000 की पॉलिसी बेचने में लग गए। पूरा इलाका उनके तर्कों का कायल था। उनके साथी बीमा एजेंट आगे बढ़ के 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख तक की पॉलिसी बेचने लगे थे, लेकिन रामदीन के पास अपने बीमा को बेचने का अपना तर्क था। इस साल में भी उनको बेस्ट एजेंट का पुरस्कार मिलने की मौखिक तौर पर घोषणा हो चुकी थी। रामदीन टेबल कुर्सी लगा के बरामदे में बैठे कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे थे। अचानक उन्हें मेन दरवाजे पर एक खटका महसूस हुआ। रामदीन ने गेट की ओर मुंह उठा के देखा और उनकी आंखें वहीं थम गई। सामने मनोहर खड़ा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। रामदीन के पैर कांपने लगे। एक कमजोरी सी महसूस हुई और लगा कि वो यहीं गिर जाएंगे। उठे और अंदर बरामदे तक चले गए। ये जाना कदमों से आगे बढ़ते जाने जैसा नहीं, बल्कि भरोसे के टूटते जाने जैसा था। रामदीन को समझ में नहीं आया कि मनोहर को क्या जवाब दें या उससे कुछ पूछें। मनोहर को देख के उनको लगा कि वो आज भी उसी हालत में है और कह रहा है, देख लीजिएगा साहब।
लेकिन रामनयन कुछ कह नहीं पा रहे थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही मनोहर है जिसको फाइलों में मरा हुआ मानकर उसके परिवार को बीमा कंपनी ने मुआवजा तक दे डाला है। मनोहर ने रामदीन को परेशान देख के कहा, साहब बैठ जाइए, सब बताता हूं। पर रामदीन खड़े ही रहे, बोले, ये सब कैसे? मानो रामदीन कहना चाह रहे हो कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मनोहर ने कहा, पैसों की बहुत जरूरत थी हमको। रामदीन ने गुस्से में मनोहर को झकझोरा, किसे नहीं है जरूरत इस दुनिया में पैसों की भाई, लेकिन इतना बड़ा धोखा, सारे कागजात नकली थे क्या? नकली डॉक्टरी रिपोर्ट, नकली डेथ सर्टिफिकेट, न जाने क्या क्या, सब नकली, तुम्हारी मौत भी नकली। रामदीन दांत पीसते हुए बोले, तुम्हारी मौत तो नहीं हुई है मनोहर, लेकिन मेरी जरूर हो गई है। मुझसे मांगे होते पैसे तो मैं खुद तुम्हारी बहन की शादी करवा देता, और सिर्फ बहन की शादी के लिए सब? तुम गिरे हुए इंसान हो मनोहर। रामदीन एक के बाद एक न जाने क्या क्या बड़बड़ाते जा रहे थे, और मनोहर बस खामोशी से सुनता जा रहा था। उसको बाहर बरामदे में छोड़ के रामदीन अंदर चले आए। बड़े दिनों के बाद रामदीन ने 2 घंटे तक अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की। अगले दिन तैयार होकर जब वो अपने झोले को लेकर बीमा दफ्तर की ओर निकले तो उनको लगा कि मनोहर वहीं बैठा है। रामदीन तेजी से बाहर की ओर निकल गए। रिक्शा वाला बाहर खड़ा था, लेकिन रामदीन उसकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रिक्शे वाले ने उसको साहब कहके पुकारा भी, लेकिन रामदीन आज पैदल ही बीमा दफ्तर चले जा रहे थे। दफ्तर पहुंचते ही वो सीधा कैश काउंटर पे गए और लंबी लाइन को हटाते हुए उन्होंने सबसे पहले अपना काम पूरा किया। अब इतना तो रसूख था ही उनका कि उनके इस दुस्साहस का विरोध करने का साहस कोई नहीं कर पाया। दफ्तर के कोने में रखे मटके के ऊपर रखे बड़े से दियाले से उन्होंने 2 दियाले पानी गटक लिया। अपना झोला उठाकर वो बड़े बाबू के केबिन में पहुंचे तो देखा कि वो पहले की तरह काम में व्यस्त हैं। शायद कोई नई फाइल आई हो। रामदीन बड़े बाबू को मनोहर के बारे में बताना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक इतने काम रामदीन को बता दिए थे कि उनकी सुनी ही नहीं जा सकी। इस तरह कई दिन गुजर गए, लेकिन वो मनोहर के बारे में किसी को नहीं बता सके, या यूं कहें कि उनकी सुनने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। आखिरकार एक दिन बड़े बाबू कुछ और कहते इससे पहले रामदीन ने कहा, सर हमें कुछ बताना है आपको। लेकिन बड़े बाबू बोले, अरे पहले फाइल निपटा दीजिए, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है, लेन देन और निपटारे का काम पूरा होना चाहिए। रामदीन बड़े बाबू से बोले, सर हमको मनोहर के बारे में कुछ बात करनी है। बड़े बाबू ने कहा, कौन मनोहर? रामदीन बोला, जिसकी फाइल क्लियर हुई थी पिछले हफ्ते। क्या बताना है? रामदीन बोले, वो जिंदा है, वो 2 दिन पहले हमारे घर आया था। बड़े बाबू ने कहा, क्या कह रहे हैं आप, भला वो कैसे जिंदा हो गया? चूंकि रामदीन की विश्वसनीयता विभाग में बहुत अधिक थी, सो जांच की एक टीम फिर से मनोहर के घर भेज दी गई, लेकिन ढाक के 3 पात वाला नतीजा ही सामने निकला। मनोहर तो नहीं मिला, लेकिन उसकी तस्वीर जरूर टंगी हुई जांच टीम को दिखी। विभाग का पैसा खर्च करवाने और समय खोटी करने को लेकर रामदीन की किरकिरी भी हुई। अब रामदीन जिससे भी कुछ कहते वो कहता, कुछ मत कहिए रामदीन। रामदीन की दिमागी हालत ठीक न होने की बात पूरे विभाग में फैल गई। रामदीन घर लौटकर मनोहर के जिंदा होने की बात भी पुष्पा को कई बार बता चुके थे। वो भी चिंतित होने लगी थी। इन दिनों पुष्पा रामदीन के सर ठंडा तेल रखते हुए कहने लगी थी कि बहुत दिनों से आप देवी की पीठ नहीं गए। पिछली बार महाराज ने कहा था गायत्री सप्तशती का पाठ करवाने के लिए, हम कल ही जाके सारे विधि विधान पता करके आएंगे। रामदीन पुष्पा से बात करते रहते मनोहर के बारे में, जबकि पुष्पा चंपी और पूजा की बात करते सो जाती। अगले कई दिनों तक रामदीन को मनोहर दिखता रहा, या यूं कहें कि मिलता रहा, लेकिन रामदीन की बात का यकीन करने को कोई तैयार नहीं था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अब पूरे यार्ड शहर में रामदीन के अस्तित्व पर भी शक होने लगा था लोगों को। कोई भी उनकी बात को मानता ही नहीं था। 50,000 की पॉलिसी मिलनी भी कम हो गई थी उनको। बस एक रिक्शा वाला था जो उनको धैर्य से सुनता था।
कई बार वो उससे कहते कि इस गली में ले ले या उस गली में ले ले। रिक्शा वाला उनको लेकर मनोहर की तलाश में घूमता रहता। शाम को थके हारे रामदीन अपना पॉलिसी वाला झोला लेकर घर पे लौट आते। दफ्तर से लेकर घर तक सबको ये यकीन हो गया कि बीमा एजेंट रामदीन बौरा गए हैं। दफ्तर में बड़े बाबू समेत लोग उनसे बात करने में कतराने लगे, जबकि एक एक से वो कह चुके थे कि मनोहर देशपांडे जिंदा है। इधर पुष्पा उन्हें देवी की शक्तिपीठ भी ले गई तो उन्होंने पुजारी से कह दिया कि क्या वो 50,000 की पॉलिसी लेंगे। मरने के बाद उनको भी 90,000 रुपए मिलेंगे। बेबी भी पापा की हालत देखकर घबरा जाती है। वो उन दिनों जब भी घर से लौटते थे तो सबसे पहले बेबी से पूछते, मनोहर आया था क्या? पुष्पा को भी रामदीन की इस हरकत से चिढ़ होने लगी थी। वो उनको रोज रात को समझाते समझाते सोती और वो दिन में फिर से मनोहर को तलाशने लगते। एक दिन सुबह बड़े बाबू ने रिक्शे वाले से फिर किसी गली में चलने को कहा तो उसने कहा, दफ्तर नहीं जाना साहब। बड़े बाबू ने कहा, पहले मनोहर को तलाशूंगा और फिर सबको दिखाऊंगा कि वो जिंदा है, देखो मनोहर जिंदा है। दिन भर रिक्शा वाला बड़े बाबू को गली गली घुमाता रहा और वो कहते रहे, वो देखो मनोहर जा रहा है। लेकिन रिक्शे वाले को मनोहर कहीं नहीं दिखा। रामदीन और रिक्शे वाले के बीच मनोहर के चक्कर में एक अजीब सा रिश्ता भी कायम हो गया था। रिक्शे वाले को तो ये लगता कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो ये चाहता था कि जो कह रहे हैं क्या पता ठीक हो जाए, मनोहर मिल जाए। दिन भर घूमने के बाद जब रामदीन थक जाते तो रिक्शे वाले से कहते, कल सुबह फिर आना, फिर निकलेंगे उसको ढूंढने के लिए। इधर पुष्पा ने शक्तिपीठ में रामदीन की झाड़ फूंक की पूरी तैयारी कर ली थी। अगली सुबह पुष्पा रामदीन को लेकर फिर से देवी की पीठ ले गई तो पुजारी ने कहा, कुंड में स्नान करके आए हैं, फिर पूजा शुरू होगी। अव्वल तो रामदीन नहाने नहीं जा रहे थे, लेकिन जब गए तो आए ही नहीं काफी देर तक। पुजारी और पुष्पा जब दोनों नदी किनारे गए तो देखा पानी में डुबकी लगा के रामदीन किसी से जोर जोर से बातें कर रहे थे। जब पुष्पा और पुजारी ने रामदीन को बुलाया तो उन्होंने आवाज दी कि हम मनोहर से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। बार बार डुबकी लगाने से उनकी सांस फूल रही थी। पुष्पा और पुजारी रामदीन की हरकत देख के तेजी से उनकी तरफ भागे। तभी रामदीन चिल्लाए, मेरा गला दबा रहा है मनोहर। पुष्पा और पुजारी ने देखा कि रामदीन खुद अपना गला दबा के पानी में डूबते जा रहे हैं और फिर निकल के चिल्ला रहे हैं। पुष्पा को किनारे खड़ा देख के रामदीन बोले, मैंने कहा था ना मनोहर जिंदा है, देखो पानी में लड़ रहा है मुझसे, इस बार मैं उसको लेके बाहर निकलूंगा। इस बार रामदीन काफी देर तक बाहर नहीं निकले। उनके डूबने से उठे बुलबुलों की आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं और पुष्पा की तेज। मनोहर दूर घाट के किनारे पेड़ों के पास खड़ा था, लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहा था। बस इतनी सी थी कहानी।